बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ट्रैक्टर गुजर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व असहाबिही वसल्लम। 18 नवंबर 2024, अडियाला जेल से बाहर एक बार फिर आप सबको सलाम। इमरान खान साहब 24 नवंबर के लिए पुरअज़म हैं, बहुत पुरउम्मीद हैं, और उन्होंने मुझे कहा था कि 8 फरवरी को जितनी दुनिया निकली थी और एक खामोश इनकलाब था, उसी तरह एक पुरअमन तौर से पूरा पाकिस्तान उससे ज़्यादा जोश और जज्बे से इंशाल्लाह निकलेगा 24 नवंबर को। और 24 नवंबर मेरे लिए इसलिए भी अहम है कि 24 नवंबर 2011 को मैं बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ में अली मोहम्मद शामिल हुआ था, पूरा ख़ानदान मेरा शामिल हुआ था। हालांकि 1997 के इलेक्शन में मेरे ख़ानदान ने चराग के निशान को वोट दिया था, इमरान खान साहब का बनने से पहले चराग निशान था, लेकिन मैं बतौर सियासी कारकुन 24 नवंबर को शामिल हुआ इस तहरीक में 2011। और आज 24 नवंबर को एक बहुत बड़ी कॉल है, तो मेरे लिए ये 2 गुना ज़्यादा अहमियत है इस दिन की। पूरा पाकिस्तान तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां उरूज पे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा मैं इस बात पे खुश हूँ कि पंजाब इस बार इंशाल्लाह निकल रहा है। पहले भी निकला था, लेकिन फस्तायत की वजह से थोड़ी सी कमज़ोरी शायद थी, वो इस बार नहीं होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह सेंट्रल पंजाब से, नॉर्थ पंजाब से, साउथ पंजाब से, पोटोहार रीजन से, साथ में मियावाली से, यहाँ आपके हरिपुर हजारे से, केपीके से, इस तरफ मरी और गलियात से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, ट्राइबल एरिया से, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी मैं कहूँगा कि जो जो पहुँच सकता है अपने लीडर की कॉल पर 24 नवंबर को पहुँचें। एक पुरअमन सियासी एक तहरीक के लिए पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए, बेगुनाह सियासी असीरान की रिहाई के लिए, और तीसरा नुक्ता है हमारा जायज मैंडेट उसकी वापसी के लिए। मैंडेट क्यों अहम है, जमहूरियत में मैंडेट क्यों अहम है? जिस तरह एक बदन के लिए रूह की अहमियत है, उसी तरह जमहूरियत में ओरिजिनल मैंडेट की जरूरत है। मैंने अडियाला के बाहर पिछली प्रेस टॉक में और आज भी वही बात करूंगा, उन तमाम लोगों को जो इस फॉर्म 47 के लाने वाले हैं, कि बदन से जब रूह निकल जाए तो वो लाश बन जाती है, और जमहूरियत से जब मैंडेट निकल जाए तो वो सियासी लाश बन जाती है। शहबाज शरीफ साहब की ये फॉर्म 47 की हुकूमत एक सियासी लाश है जो आप कंधे पर लेके फिर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे 40 लोग भी नहीं हैं जो इसको कंधा दे सके, जो इसका जनाजा पढ़ सके इस सियासी लाश का। क्यों? क्योंकि कौम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये कितने शर्म की और कितने अफसोस की बात है। मैं अगर मियां नवाज शरीफ साहब की जगह होता और मैं 3 बार का वजीर आजम होता, मुझे कोई पूरी दुनिया भी बदले में देता, मैं फॉर्म 47 पे एमएनए ना बनता। मैं उनको कहता कि नहीं, मैं वोट को इज्जत दो के बयानियों के लेके चलने वाला आदमी हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से 70,000 से हार के तो मैं यहां पे एमएनए बन जाऊं। शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब और इनके जितने भी साहब हैं, सबके सब इल्ला माशाल्लाह चंद एक को छोड़ के 17 सीटें नून लीग की थी और 178 हमारी थी। तो आप मुझे बताएं, ऐसी जमहूरियत और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम ना खड़ी हो, उसको मैं सियासी लाश ना कहूं तो मैं क्या कहूं? आप इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक आदमी अकेला अब नहीं है। वो अकेला तब भी नहीं था जब 2002 में अकेला एमएनए बना था, उस वक्त मियांवाली पीछे खड़ा था, आज पूरा पाकिस्तान पीछे खड़ा है।
एक नस्ल जवान हो गई। वो बच्चे जिनको इमरान खान कहते थे, लोग ताना देते थे कि इमरान खान के साथ तो एक तांगा लोग भी नहीं है। इमरान खान कहता था कि ये जो बच्चे हैं इनके बारे में लोग कहते थे इनका शनाख्ती कार्ड नहीं है, उन बच्चों के अब शनाख्ती कार्ड बन गए हैं। एक नस्ल जवान हो गई है पाकिस्तान से मोहब्बत में, इमरान खान के साथ उम्मीद बांध के कि ये कप्तान आगे बढ़ के पाकिस्तान को बेहतर करेगा। आप किस किस को शिकस्त देंगे, किस किस को जेल में डालेंगे, किस किस को डराएंगे? करोड़ों नौजवान है, किस किस पे वीपीएन लगवाएंगे, किस किस पे फतवे लगवाएंगे, किस किस को आप मुल्क बदर करेंगे, किस किस को आप गायब करेंगे, किस किस को अगवा करेंगे, किस किस को जेल में डालेंगे? ये तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया। इसका एक ही हल है, इस शख्स को आने दो। अवाम ने इसको वोट दिया है, इसको इख्तदार में आने दो। अगर परफॉर्म करेगा इमरान खान तो अवाम कंधे पे रखेगी, नहीं होगा तो जो परफॉर्म नहीं करेगा वो अवाम उसको फिर वोट नहीं देती। आप बीच में से निकल जाओ, आप बीच में से निकल जाओ और इमरान खान को इन सियासी ये जो ठेकेदार हैं, ये जो स्टेटस को है, इनसे निपटने दो। आपका बीच में क्या काम है? सियासतदानों को आपस में मसाइल का हल निकालने दो। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की कामयाबी इसी बात में है कि कौम और इदारे बाहमी शीर व शक्कर हों, एक दूसरे से उनकी मोहब्बत हो। लेकिन ये मोहब्बत में कमी आई है, उसकी वजह यह है कि कौम अपना दिल इमरान खान को दे बैठी है और इमरान खान को आप जेल के अंदर 450 दिनों से बेगुनाह आपने अंदर डाला हुआ है। क्या गुनाह किया है उस शख्स ने? इंसान है, कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इमरान खान से हमारा खून का रिश्ता नहीं है, वो हमारा लीडर है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कप्तान के साथ खड़े हैं। अगर वो कुछ गलत करेगा तो आप नहीं, हम खुद उससे सवाल करेंगे, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो किसी के अबरू के इशारे पे उठें या बैठें। हम पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ हैं और पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा और ये मोहब्बत भी रहेगी इंशाल्लाह। मैं दोबारा ये कहता हूँ, 24 से पहले होश के नाखून लें। इमरान खान कभी अपनी बात नहीं करता, अली मोहम्मद कर रहा है। इमरान खान, तमाम असीरान बिलखसूस इमरान खान को बाहर निकालें, इमरान खान को बाहर आने दें आवाम के बीच में, उसको बंदी गला जाने दें। ये इमरान खान की डिमांड अपने लिए नहीं है, ये कौम की पुकार है जो मैं पहुंचा रहा हूं। हर पाकिस्तानी 10 में से 9, 20 में से 19, 100 में से 99 पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर आने दो। इमरान खान बाहर आएगा, देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है। इमरान खान को हटा के तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करके रिजीम चेंज करवा के 2 साल क्या महंगाई कम हुई, क्या अमन व अमान कायम हो गई, क्या थाने में इंसाफ मिल रहा है, क्या अदालतें इंसाफ दे पा रही हैं, क्या रोजगार मिल रहा है, क्या नौजवान पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं? चैनल्स बंद हो रहे हैं, वीपीएन पे फतवे लग रहे हैं, किसी को बात करने की इजाजत नहीं है, जो बात करता है उसको खामोश कर दिया जाता है। इन हालात में मैं दोबारा ये कहता हूँ, इन मसाइल का हल आप निकालें गुफ्तगू से। इमरान खान साहब से मैंने मुलाकात में जब पूछा था पिछले जुमे को, मैंने कहा खान साहब अगर कोई मुज़ाकरात की दावत कहीं से आती है पार्टी लीडरशिप को, तो खान साहब ने कहा कि मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए। इनकार नहीं किया लेकिन अपनी बात भी नहीं की, ना अपनी रिहाई की बात उसने की ना वो करेगा। ये इस कौम की जिम्मेदारी है कि इमरान खान की रिहाई की बात करें। मैं भी ये समझता हूँ कि अब भी कुछ नहीं गया, जो हो गया सो हो गया, अब आगे चलने की बात करो। इमरान खान साहब को बाहर लाने दें, उनको आने दें। मैंने जान के इमरान खान साहब से एक बात पूछी और खान साहब ने कहा कि वो बाहर निकल के सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। अगर किसी को ये खौफ है कि इमरान खान दो तिहाई से अगर आ गया तो वो सियासी इंतकाम लेगा, वो सियासी इंतकाम लेने नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आ रहा है। इस कौम के नसीब में क्या सिर्फ परेशानियां हैं? इस कौम के नसीब में क्या सिर्फ गम है? इस कौम के नसीब में क्या सिर्फ लोड शेडिंग है, महंगाई है, बेरोजगारी है? आप तो बड़े बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, आप सब जितने एलीट क्लास है, चाहे सियासी लीडरशिप है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जुडिशरी है, या चाहे बड़े बड़े सरदार या नवाब या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस मुल्क में तबाह हाल हैं, तो वो लोग जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो F-16 उड़ाते हैं, आम लोगों के बच्चे जो हैं
वो जाके महाजों पे लड़ते हैं, आम लोग तकलीफ में हैं, उनकी कौन सोचेगा, उनके लिए कुछ सोचो। आपस की लड़ाई में पाकिस्तान का कबाड़ा करके रख दिया है हम सब ने। आप देखें पड़ोस में बंगाल, बांग्लादेश कहां पहुंच गया, आप श्रीलंका को देखें, आप हमारे अजली दुश्मन हिंदुस्तान को देखें, हमारे हाथों से बड़े बने हुए एमिरेट्स को देखें। आज पीआईए बंद हो रहा है और कैथे पैसिफिक और एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस आसमानों को छू रहे हैं। क्या हमारे लिए अफसोस का मकाम नहीं है कि पीआईए बंद हो रहा है, बेचने की बातें हो रही हैं, रेलवे बंद हो रहा है, स्टील मिल बंद हो रहा है। ये वो स्टील मिल था जिसके बारे में 60s और 70s में उम्मीद थी कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा, दुनिया को ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगा। आज हम दुनिया में भीख मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त अल्लाह वो फरमाते हैं कि वामरहम शूरा बैनहुम, कि जब मसला पड़ता है मोमिनीन को, मुसलमानों को, तो आपस में शूरा करते हैं, लेकिन ये शूरा तब तक नामुकम्मल है। खान साहब अडियाला में पाबंद सलासल है, इसलिए हम कहते हैं सियासी जमातों को आखिरी बात करना चाहता हूँ। आप अक्सर कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी नहीं है, वज़ीर आज़म की इज्जत नहीं है, डेमोक्रेसी में ताकत नहीं है, तो आप खुद क्यों वो जुल्म करते हैं जिसका इल्ज़ाम आप हमें लगाते थे। आज का वक्त नहीं आ गया कि हम ये फैसला करें कि हमने किसी इदारे से, किसी सुप्रीम कोर्ट से, किसी से इस मुल्क के फैसले नहीं करवाने, हमने आवाम से ये फैसले करवाने हैं इलेक्शन के जरिए कि इस मुल्क में इख्तदार के सिंहासन पे अल्लाह के हुक्म से कौन बैठेगा। जब इस नुक्ते पे हम सब आ जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। 24 नवंबर से पहले मेरी तवक्को है कि अल्लाह ताला इस कौम को खुशखबरी दे, एक उम्मीद की नवीद दे, वरना फिर वही शेर हम फिर आपस में एक दूसरे को सुनाते रहेंगे कि जागरण वालियाँ रच के लुट जाए, सोए तुसी भी हो तो सोए असे भी हाँ, और लाली अखा दी बेदस्ती है, रोए तुसी भी हो तो रोए असे भी हाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।